हम लोग रैंक पुश कर रहे थे, इसलिए थोड़ा दूर मिलिट्री बेस गए थे, पर यहाँ पर तो एक भी स्क्वाड नहीं आया था। यहाँ से जल्दी जल्दी लूट करके यहाँ से निकलते हैं। उसके बाद वहाँ पर जो फाइट होगा वो देखिए कितना इंटेंस फाइट था। यहाँ ढांसिया मिलती है, ढांसिया से हम लोग जाते हैं पोचिंके में। पोचिंके में भी कोई बंदा नहीं था, इसलिए हम जाते हैं सीधा स्कूल अपार्टमेंट की तरफ से। यहाँ तो बैक टू बैक बंदे ही बंदे आ रहे थे, तीन चार स्क्वाड इधर ही थे। यहाँ का फाइट देखे कितना इंटेंस था, एक के बाद एक क्लच। टीम का क्लच, अकेले का नहीं है, हम हैकर थोड़ी है जो चार चार बंदे को लोकेशन देख के एक के साथ मार देंगे। यहाँ एक टीम गई, अब बारी है दूसरे टीम की जो ऊपर वाली अपार्टमेंट में है। अब एक गाड़ी है, एक गाड़ी में से ये बंदा निकला, निकलते ही उसका मौत हो गया। उसको ख़त्म करने के बाद हम जाते हैं बड़े बिल्डिंग में, वहाँ पर एक सोलो बंदा रहता है। और एक खुशखबरी, जल्दी से जल्दी इंडिया में पबजी वापस आ रहा है। पबजी जो बैटल ग्राउंड, पबजी मोबाइल के नाम पे आ रहा है। यहाँ पीछे से एक AKM की साउंड आ रही थी, मैं समझाता ये बॉट है, मगर ये तो बंदा था। देखिए हल्का सा उसका हेड नज़र आ रहा है, सोलो बंदा था, जल्दी निपट गया। जिसे मारने के लिए हम उधर से इधर आए थे, ये बंदा इधर से निकल के उधर चला गया था।
सामने वाले बिल्डिंग पे दो बंदे हैं। ये देखे मौली, ओपी मौली बोलते हैं। कमेंट में बोलो कैसा था ये मौली। एक बंदा नाक हो जाता है उस मौली में। अब सिंगल एक ही बंदा बचता है। ये हेडशॉट देखो, बाइक का हेडशॉट। इसके बाद एक ही सिंगल बंदा बचता है जो इसका टीममेट था। बाल बाल बच गए। मैं तो यहाँ पर देखे लेवल 3 हेडशॉट कैसा था, पट्टा से लेवल 3 हेडशॉट। लीजिए, हो गया चिकन डिनर। हैप्पी डे।